मध्य प्रदेश अभी कोरोना वैश्विक महामारी से उबर नहीं पा पाया है। हालात यह है कि एक नई बिल्कुल बीमारी जो है मुंह बाई ठाढ़ी, हालात यह है कि बर्ड फ्लू नामक बीमारी जो है पश्चिम में पहुंच रही है। और हालांकि जो वैज्ञानिक है ये बात के जो है खोज कह रहे हैं कि का पक्षी से मनुष्य में यह बीमारी जा सकती है, यदि ऐसा होता है तो यह बेहद खतरनाक हुई। विनिषेत के ये पहल पघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के कि जानलेवा संक्रमण बीमारी जो है राजस्थान के रास्ता से मध्य प्रदेश आ रही है। एमपी के 3 जिला इंदौर खरगोन मंदसौर बर्ड फ्लू के संकेत मिल चुके हैं। राजस्थान के सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सभी इलाका में बर्ड फ्लू के खतरा बना है। स्वास्थ्य विभाग जो है अपने तरीके से जांच कर रहा है और अभी तक यह जो है घोषित नहीं भा है कि संक्रमण इंसानन में फैली या नहीं, परंतु जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक बेहद सावधान रह की आवश्यकता है। अपना पचन को बताया दी कि सीनियर वेटनरी सर्जन डॉक्टर प्रमोद शर्मा के द्वारा बताया गया कि अभी तक इंदौर के डेली कॉलेज एरिया से लगभग 145 कौवा जो है मृत मिले हैं और उनका कहब है कि हमका संदेह है कि एमा कौवन के मौत जो है H5N8 एवियन फ्लू के वजह से कौवन के मौत भई। भोपाल में HSDAL का मिले 5 सैंपल में या जो है एवियन फ्लू के पहचान भई। वहीं पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के द्वारा यह बताबागा कि कौवा के सैंपल जो है भोपाल के स्टेट DI लैब में भेजे गए हैं। इंदौर और मंदसौर में भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू के पुष्टि जो है हो चुकी है। अपना प्रचंड बताया दी कि राजस्थान की सीमा से सटे मंदसौर के पिछले 3 दिवस में 200 से ज़्यादा कौवा मृत पाए गए हैं। इनमें से अधिकतर मंदसौर जिला कोर्ट परिसर में पाए गए हैं। यहाँ मृत कौवा के जो है सैंपल HSDAL का भेजे गए हैं। वहीं से रिपोर्ट नतीजा के अभी इंतजार है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग पशुधन विभाग और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आवश्यक SOP के जो है पालन करे के आदेश दिए गए हैं। साथ में जरूरत में डी इंस्पेक्शन जो है सुनिश्चित करे की कहा गया है। अपना प्रतिनिधि बताया दी कि खरगोन में कसारवाड़ क्षेत्र के पिछले 2 दिन में 20 कौवा मृत मिले हैं। इनकी संख्या बढ़े के जो है संभावना है। जिला प्रशासन और वेटनरी विभाग के द्वारा फील्ड अफसरन का अलर्ट किया गया है। यह कदम जो है इंदौर के सैंपल्स के H5N8 खाते जो पॉजिटिव पाए जाए के बाद जो है उठा भगा है। जंगलेश्वर महादेव मंदिर में रहे वाले लोगों का कहब है कि पिछले 3 दिन से कसारवाड़ा में पेड़ से कौवा मरे के बाद गिर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जो है कौवन का ढूंढे में वेटनरी विभाग के अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी जो है चुनौती है और या यदि कहो न कहो फ्लू लोगन और इंसानन तक यदि संक्रमण के रूप में फैले राजी तो एक बेहद चिंताजनक विषय है। क्योंकि हम पचे एक बेहद बड़े संक्रमण से अभी दौर से गुजर रहे हैं और नया संक्रमण मुंह बाई ठाढ़ है। ता गंभीरता सावधानी सतर्कता बेहद जरूरी है। इंतजार करी कि सब कुछ बेहतर हो और बेहतर खीतिर भरोसा करे के परी। कहे कि कोरोना के वैक्सीन आएगी ही दावा यकीन जाला है कि पहले कोरोना योद्धा कल आएगी फिर उसके बाद आम आदमी तक पहुँच होई। किंतु यदि हालात बर्ड फ्लू के होते हैं तो हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। तो इंतजार है कि राज्य शासन से रिपोर्ट आवे और भगवान से अपना मनाई हमू मनाई लगे कि यह रिपोर्ट में यह बात जरूर पुष्टि हो कि यह इंसानन पर खतरनाक नहीं है, नहीं तो एक बेहद बड़े महामारी की ओर जो है मध्य प्रदेश बढ़ सकत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।